नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फूड फील्स में। आज हम सर्दी में खाए जाने वाली एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। इसे आप सभी एज ग्रुप के लोगों को दे सकते हैं और न्यू मदर को दे तो उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्दी होती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मसाला गुड़। मसाला गुड़ बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में 1/4 कप घी डाला है। घी को हल्का सा गर्म करेंगे। घी के गर्म हो जाने पर यहाँ हमने 250 ग्राम सूखा नारियल लिया है। इसे हमने पतला पतला काट लिया। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर सेकेंगे। नारियल भुनकर बिल्कुल तैयार है। गोल्डन ब्राउन हो गया नारियल। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी को हल्का सा गर्म करेंगे। यहाँ पर हमने 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम को बारीक बारीक काट लिया है। वो डालकर 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। काजू बादाम तलकर बिल्कुल तैयार है। इन्हें भी हम नारियल के साथ ही निकाल लेंगे उसी प्लेट में। अब हम उसी कढ़ाई में 1/2 कप घी डालेंगे। घी को लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म करेंगे। घी के गर्म हो जाने पर 1 टेबल स्पून दरदरी कुटी सौंफ और 1 टेबल स्पून दरदरी कुटी काली मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर हमने 1/2 किलो गुड़ को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। उसे डालेंगे और लो फ्लेम पर ही गुड़ मेल्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ पर मैंने देसी गुड़ लिया है। आप कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं, लेकिन गुड़ को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें जिससे कि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर और मसाले डालेंगे। यहाँ पर हमने जायफल और जावित्री ली है। जायफल को हमने बारीक कद्दूकस की सहायता से घिसा है। 1.5 जायफल को हमने यहाँ पे घिसा है। 1 टेबल स्पून पाउडर बनकर तैयार हुआ है। जावित्री को भी हमने ऐसे ही पीस लिया है और 1 टेबल स्पून पाउडर उसका भी तैयार किया है। 1-1 टेबल स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर डालेंगे। जायफल और जावित्री का पाउडर आप पहले ही बना के रख लें गुड़ बनाने की शुरुआत में, और 1/4 टीस्पून हल्दी डालकर मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमारी अभी भी लो है और यहाँ पर अब हम सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लें। आप इस रेसिपी को फ्रिज के बाहर 20 से 22 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर दें इसे। फ्रिज में रखने से गुड़ थोड़ा हार्ड हो जाता है। गुड़ और ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स होने के बाद में हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 थाली को घी से ग्रीस करके तैयार किया है। उसमें हम गुड़ को निकाल लेंगे और अच्छे से फैला देंगे। गुड़ को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम इस गुड़ को काटेंगे। गुड़ को निकालने में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप इसको गैस पर कुछ सेकंड्स के लिए रख सकते हैं। इस तरह से इसके नीचे का घी थोड़ा सा पिघल जाएगा और गुड़ आसानी से निकल जाएगा। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब गुड़ पर कट लगाएंगे। मसाला गुड़ बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।